तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर में रिलीज हुई मूवी भोला के बारे में। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, इसलिए अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया है तो माफ़ करिएगा, और आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे और भी रिव्यू करने में मदद मिले। तो शुरू करते हैं। भोला के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद मैं आपके सामने रिव्यू लेके आया हूँ। फर्स्ट डे शो में भी ऑलमोस्ट थिएटर खाली था, मतलब सॉरी जानू से बोल दिए, लगभग थिएटर फुली था, ऑलमोस्ट फुली था। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भोला मूवी को डायरेक्ट किए हैं हम सब के चहेते सितारे अजय देवगन ने, और इस मूवी के लीड रोल में आपको अजय देवगन, तब्बू और बहुत सारे सितारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि भोला एक साउथ मूवी का रीमेक है, कई थी ऑफिशियल रीमेक है, बट मूवी भोला में अजय देवगन सर ने बहुत चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से हमें फिल्म देखने के समय पर कोई बोरियत फील नहीं होगी। कैथी मूवी को एक रात में शूट किया था और वो एक डार्क एक्शन से भरपूर मूवी थी। वहीं अगर हम बात करें भोला मूवी के बारे में तो भोला में एक्शन, रोमांस, इमोशनल एंगल, आइटम नंबर और भी बहुत सारे एलिमेंट डाले गए हैं जिसकी वजह से आपको मूवी अंत तक बनाए रखती है, और ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह आपको इंटरटेन करेगी। जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे एक बार भी बोरियत फील नहीं हुई और अंत तक मैं फिल्म को एंजॉय कर रहा था। फर्स्ट हाफ में आपको स्टोरी मेकअप करने के लिए थोड़ी समय लेती है, पर इंटरवल आते आते मूवी अपना पेस पकड़ लेती है और आपको सेकेंड हाफ देखने के लिए मजबूर करती है, जो इंटरवल में थोड़ा एक्शन देखने को मिलता है, पर सेकेंड हाफ में आपको फुल ऑन एक्शन देखने को मिलेगा, वो भी अजय देवगन स्टाइल में। अजय देवगन को का करियर का ये थर्ड मूवी है और वो आपको डायरेक्शन लेवल पे पहले ही सिवाय और रनवे 34 से दिखा चुके हैं। सो भोला में भी उनका जो डायरेक्शन लेवल है वो बहुत कमाल का है, और आपको क्लाइमेक्स होते होते एक अच्छी बॉलीवुड मूवी देखने को मिल जाती है। क्लाइमेक्स में आपको एक कैमियो भी देखने को मिलेगा। आप सभी को पता ही होगा कि क्लाइमेक्स में क्या होने वाला होगा और किसका कैमियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और आपको पता नहीं है तो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूँगा। आप थिएटर में जाके इसको मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये मूवी अंत तक बांधे रहेगी, लास्ट में आपको इसके अगले पार्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिली जाएगी। वैसे ही साथ ही इसमें लॉर्ड शिवा का जो रेफरेंस लिया गया है वो मूवी के फायदे में काम करती है। ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को एक रिव्यू में रिव्यू करना हो तो ये एक डिसेंट इंटरटेनिंग एक्शन मूवी है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। एक मूवी को मैं 4.5 स्टार देता हूँ, और आपको ये मूवी थिएटर में ही देखने को मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। थिएटर में आपको ये मूवी अच्छे से बांधे रखेगी। तो आज फिर जीने की